तो बॉयज फाइनली पहुंच गए हैं, मेहनत करके इतनी मेहनत करके भालूगाल वाटरफॉल में, और काफी मस्त नजर है। लेकिन थोड़ी यहाँ पे सोचे बादल हरे हैं जबकि वो तो रुके हैं, क्योंकि हैप्पी बर्थडे टू यू। सेब के पेड़ और आपको ऐसे दिख जाएंगे, ये अभी बड़े बड़े हैं, छोटे छोटे देखो काफी मस्त नजारे दिख रहे हैं। Hey guys, good morning, welcome back to another vlog. So अभी बज रहे हैं सुबह के 10 बज रहे हैं, और अभी मैं हूँ भीमताल रोड पे, और सो आज हम जा रहे हैं घूमने, और मेरे साथ है अभी योगेश, ये अभी गांव से आया गाइस, और विवेक लोग भी आ रहे हैं, वो लोग पीछे हैं। सो हमारा आज अर्जेंट प्लान बन गया, सो अभी पता नहीं है, हमने डिसाइड भी नहीं किया कहाँ जाना है, और अभी तो भीमताल रोड से जा रहे हैं हम, भीमताल में जाके देखेंगे कोई अच्छी जगह लगेगी थी तो, और वैसे तो कोई आज नई जगह जाएंगे और अनएक्सप्लोर्ड जगह ही जाएंगे, तो अभी आज जा रहे हैं, तो अभी वेट करें उनका, तो अभी चलते हैं, सुनते हैं आपके पास। तो दोस्तों जब से हम भीमताल में चढ़े हैं, हमारे आगे से एक बंदा जा रहा है बाइक वाला, तो बेचारा सबसे टेढ़ा ही बैठा है, अभी तक सीधा ही नहीं हुआ है, पता नहीं उसको क्या ही दिक्कत है, उसका बैग भी सबसे टेढ़ा ही है। देखिए सबको, देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा टेढ़ा बैठा है, लेकिन उसका बैग टेढ़ा है। हल्द्वानी से बेचारा ऐसे टेढ़ा होके आया है गाइस। पता नहीं कैसे बैठा है, कैसे बैठ लिया है, और हमने उसकी वीडियो बना ली, हम कब से देख रहे थे इसको। लगता है अभी ये जब तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुँची रहा ऐसे ही बैठा रहेगा। लगता है गाइस इसको मजा आ रहा है। तो गाइस हम पहुंच गए हैं भीमताल में, और भीमताल से अभी जा रहे हैं भालूगाल वाटरफॉल, डिसाइड हो गया फाइनली, अब देखते हैं कितनी दूर है यहाँ से, और यहाँ तो अभी तो धूप लग रही है, रास्ते में तो बहुत ठंडा लग रहा था, और ये मजे ले रहे हैं गाइस, मिलते हैं और मिलते हैं अभी भालूगाल वाटरफॉल, तो आप इंजॉय करें टाइम सिनेमैटिक शॉट। ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी, ऐसी प्रीत मेरी है ने गोड़ी चुलबुली, करे जो झकझोरी क्यों ना सूरज की किरण आने दे आने। तो भाई रास्ते में थे अब निकल चुके हैं, क्योंकि अभी स्नैक्स वनैक्स ले रहे थे थोड़ा वहाँ पे खाने के, क्योंकि उससे वैसे खाया नहीं था, और स्नैक्स खाएंगे, और अब निकल चुके हैं, और अभी हम जा रहे हैं, हमारे स्कूटी राइड हो रही है गाइस, तो वो बोले थे विवेक लोग कि हम भी थोड़ा बाइक का मजा लेंगे, तो हमने कहा चलो भी मजा लेने देते हैं, तो हम स्कूटी राइड पे हैं, मस्त मज़ा आ रहा है, और काफ़ी ठंडा माहौल है गाइस, भीमताल से ऊपर जाके जैसे आए वहाँ पर, अब तो ठंडा मौसम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर धूप की छाया नहीं आ रही, और काफ़ी मस्त मौसम हो रहा है, ऐसा लग नहीं रहा कि धूप का मौसम, गर्मी का मौसम हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कहाँ मंसूरी आ गए गाइस, काफ़ी मस्त मौसम, ठंडा हो रहा है, तो आप बने रहे वीडियो में, अभी जा रहे हैं भालूगाल वाटरफॉल, एंजॉय कीजिए। टिकटॉक यहाँ पे रुके थे, यहाँ पे गुजरे थे, तो बहुत ही काफ़ी अच्छी मस्त लगा लेगी, आपको भी दिखाता हूँ, काफ़ी मस्त और अमेजिंग सन, यहाँ पे हमने रील और फोटोशूट तो करा लिया, आपको भी दिखाता हूँ। सो लुक एट द व्यू गाइस, कितना मस्त, काफ़ी मस्त नज़ारा है गाइस, देखो कितना खतरनाक लग रहा है। तो यहाँ पे हम रुके थे, काफ़ी मस्त लग रहा है, और यहाँ पे ड्रोन होते काफ़ी मस्त शॉट्स आते, और क्या व्यू है गाइस, देखो एक नंबर वन, और अभी धूप भी आ गई गाइस, तो अभी थोड़ा चलते हैं, और देर भी हो रही है, अभी जाते हैं भालूगाल वाटरफॉल के लिए, तो अब जाते हैं, तो अब मिलते हैं बनी रही हमें गाइस। सो फाइनली बॉयज मैं पहुंच गया हूँ भालूगाल वाटरफॉल के पास, और यहाँ से लगभग ऐसा कुछ ये है एंट्री भालूगाल वाटरफॉल की गाइस, और यहाँ पे टिकट भी कटती गाइस 50% है यहाँ पे टिकट काउंटर यहाँ पे, और यहाँ से लगभग ऐसा कुछ है यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना गाइस, और यहाँ पे टिकट कटती 30%, और ये है कुछ एंट्री गाइस, सो अब चलते हैं यहाँ से, और लगभग 1.5 किलोमीटर यहाँ पे ट्रैकिंग बता रहे हैं, थोड़ा ट्रैक करके जाना पड़ेगा, और तब जाके वहाँ पे वाटरफॉल पड़ेगा, तो चलते हैं गाइस, और ऐसा कुछ सीन है, और काफ़ी मस्त मौसम हो रहा है, कुछ बने रहे वीडियो में।
सावन आए रे मन हंसाए मितवा और सारी उम्र ना गवा दे मितवा क्यों सोचे बादल भरे हैं जबकि वो तो रुके हैं क्योंकि बारिश तो आनी है ना तो बॉयज़ ट्रैकिंग करके करके आधी रास्ते तक पार कर चुके हैं और यहाँ से लगभग 700 मीटर बचा है और ट्रैकिंग तो ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत ही आसानी है और ऐसा कुछ रास्ता मिल जाएगा आपको ट्रैकिंग का, ऐसा कुछ नज़ारा है और जंगलों के बीचों बीच काफ़ी ज़्यादा थकान भरा रास्ता तो नहीं है और साइड में तो आपको देखो जंगल जंगल मिल जाएगा और कितने देखो पहाड़ हैं ये काफ़ी मस्त नज़ारा आ रहा है और यहाँ पर धूप भी नहीं लग रही तो ट्रैकिंग करने में थोड़ा आसानी मज़ा आ रहा है और काफ़ी मस्त नज़ारा हो रहा है और यहाँ पे देखो किनारे किनारे आपको पत्थर मिल जाएंगे गाइस, तो ऐसा नज़ारा और थोड़ी देर में आने वाला है और ठंडा लग रहा है तो काफ़ी मस्त। ये देखो गाइस कितने बड़े बड़े ऊंचे पहाड़, मस्त नज़ारा हो रहा है, तो चलते हैं मिलते हैं फिर आपको बताते हैं। सो बॉयज़ फाइनली पहुँच गए हैं, मेहनत करके बालूगाल वाटरफॉल में और काफ़ी मस्त नज़ारा है लेकिन थोड़ी यहाँ पर रश है और थोड़ा भीड़ भी है तो अभी आपको दिखाता हूँ गाइस। चलिए तो अब ऐसे है कुछ भालू वहाँ पर बैठा हुआ जो होता है ऊपर से बैठे हुए आ रहे हैं। बॉयज़ यहाँ पे बहुत ही ख़तरनाक मौसम हो रहा है और नज़ारा हो रहा है और यहाँ पे पानी तो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है लेकिन मज़ा आ रहा है और काफ़ी ठंडा हो रहा है यहाँ पे और कुछ ऐसा नज़ारा हो रहा है। ये भी है गाइस, ये भी है और यहाँ पे फोटो शूट चल रहा भाई का और यहाँ पर भाई और ये देखो नारायण और ये मस्त नज़ारा हो रहा है और यहाँ पे इस लाइन को थोड़ा थोड़ा 40 फीट गहरा है तो उस साइड बहुत ही कम लोग जा रहे हैं, उस साइड लाइफ जैकेट पहन के वो करना अलाउ करते हैं क्योंकि बहुत गहरा है और बिना लाइफ जैकेट के अलाउ नहीं करते हैं और ऐसा कुछ नज़ारा है तो एक फोटो शूट करना। बॉयज़ फाइनली आ चुके हैं हम वहाँ पे भालूगोल वाटरफॉल से, वहाँ पे नहा के मैं तो नहाया नहीं, इन्होंने फ्रेंड लोगों ने नहाया गाइस और अभी हम जा रहे हैं फोटो शूट, रील बन गई है और हम जा रहे हैं मैगी खाने। यहाँ पे बहुत सारे टेंट्स मिल जाएंगे आपको जगह जगह में गाइस और आपको ऐसे स्टॉल मिल जाएंगे और स्टॉल मिल जाएंगे गाइस, यहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं और मैगी कुछ भी खा सकते हैं गाइस। तो ऐसा कुछ नज़ारा है और अभी देखते हैं कहाँ जाते हैं तो बने रहे वीडियो से मिलते हैं। Hey guys, हम आ गए हैं यहाँ पे मुक्तेश्वर मार्केट में और यहाँ पे मैंने फ़ोन किया था, जो पहले आया था मैं मुक्तेश्वर तो भाई लोगों को फ़ोन किया था तो वो वहीं पे थे तो मिल गए थे रास्ते में और आज उसका बर्थडे है कलजीत का, सो हमने केक ले लिया गाइस, ये केक ले लिया है और यहाँ पे हम जरा उसका नाम लिखवानी है और थोड़ा नाइफ वाइफ लेने आए हैं यहाँ पे शॉप में, ऐसी कुछ शॉप है गाइस ले लेना और ये हमने केक ले लिया है और सरप्राइज पार्टी देंगे उसे बर्थडे और उसके रूम में जाएंगे आज शायद, आज शायद मैं उसके रूम पे और अभी जा रहे हैं और पार्टी वार्टी करेंगे थोड़ा बहुत चिकन पार्टी, सो अभी मिलते हैं सब मेरे वीडियो में, तब तक बाय। तो बॉयज़ हम लोग आ गए थे यहाँ पे और यहाँ पे फ्रेंड लोग सेब यहाँ पे मिल रहे हैं, एप्पल और यहाँ पे ताजे सेब मिलते हैं गाइस और यहाँ पे जिसको लेने हैं तो आ सकते हैं यहाँ यहाँ पे, तो देखो गाइस यहाँ पे सर सेब मिल जाएंगे एप्पल की शॉप में यहाँ पे है और यहाँ पे अच्छे सेब हैं यहाँ गाइस, मैं भी खा रहा हूँ और काफ़ी मज़ा आ रहा है, देखो बिल्कुल रेड रेड सेब मिलेंगे और टेस्ट में भी रेड मस्त लग रहे हैं, ताज़ा सेब है यहाँ पे और काफ़ी बगीचे यहाँ पे और यहाँ पे देखो गाइस यहाँ पे इतने स्टोर मिल जाएंगे यहाँ पे
बहुत ये बेचते हैं, आप अगर लेना चाहे तो यहाँ पे आ सकते हैं। इतनी सारे ताजे सेब मिल जाएंगे, काफ़ी है, टेस्ट करके देखा, मस्त स्टॉक है। तो खाते हुए अरे बहुत मीठा यहाँ पे देखो गाइस, नाशपाती मिल जाएंगे, 10 दिन तो बॉयज़ यहाँ पे फ्रेंड को सेब लेने थे, मिल रही है यहाँ पे 500 रुपये बता रहे हैं, 10-12 किलो पेड़ डे में आ जाते हैं लगभग। और यहाँ पे इनके खुद के सेब के पेड़ होते हैं, एप्पल के पेड़ यहाँ पे, और यहाँ पे लगे भी हैं, जैसे कि आपको दिखा सकता हूँ गाइस। सो देखो गाइस, ऐसे कुछ लगे रहते हैं सेब के पेड़, और आपको ऐसे दिख जाएंगे, ये अभी बड़े बड़े हैं और छोटे छोटे, देखो काफ़ी मस्त नज़ारे दिख रहे हैं, ऐसे लगे होते हैं देखो गाइस। और ऐसी खेती होती है हिमाचल में भी, और यहाँ पे मुक्तेश्वर में भी, यहाँ उत्तराखंड में होते हैं, ऐसे कुछ लगा होता है एप्पल के पेड़। ये देखो कितने सारे लगे हैं गाइस, और मैंने खाया था तो खाने में बहुत टेस्टी लगे, एकदम खट्टे मीठे लग रहे थे, और लगभग सही लग रहे थे, और थोड़े छोटे थे लेकिन साइड में मस्त लग रहे थे, और बिल्कुल रेड रेड दिख रहे थे, और काफ़ी मस्त नज़ारा हो रहा है यहाँ पे। सो आप आना चाहते हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं, और काफ़ी सही रेट में, रीजनेबल रेट में मिल सकते हैं आपको एप्पल गाइस। सो काफ़ी मस्त नज़ारा है, सो मिलते हैं आपको वीडियो। सो बॉयज़ जा रहे हैं, अब भाई लोग जा रहे हैं दोबारा सेब के बगीचे में, सो हम लोग भी जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे देखते हैं कैसे सेब तोड़ते हैं भाई लोग पे, तो कहते हैं आम आ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ तो आम ही लगते हैं, क्योंकि यहाँ की बगीचा है। सो आपको दिखाएँ, और काफ़ी हाइट में थोड़ा सांस फूल रही गाइस, और बहुत सारी सेब के पेड़ हैं, तो आपको दिखाऊंगा।